हेलो दोस्तों, झारखंड टेलर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जेंट्स सलवार कटिंग। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, बता दे रहा हूं कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि समय से वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कपड़ा हम इसके लिए लिए हैं 2.25 मीटर और इसकी लंबाई है 38 इंच, मोहरी 17 इंच और फुल हाई वाली बन रही है पैजामा, तो इसका हाई है 16 इंच। तो कपड़ा हम ले ले चुके हैं, इस तरह से डबल कर दिए हैं। अब इसको 4 फोल्ड करना है, हम इसे करेंगे 4 फोल्ड। इसको डबल पहले कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ से फोल्ड कर देंगे अच्छी तरह से बिछा कर, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा इस तरह बिछाना है हम लोग की सिल्कन ना रहे कपड़ा में, पूरा सही कर ले। सबसे पहले हम सीधा के लिए एक लकीर देंगे इस तरह से, और नेफा के लिए 2 इंच में मार के एक और लगा लेंगे। इसको भी हम मार्क कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से। इसकी लंबाई है 38, 38 में हम मार्क करेंगे और यहां भी एक मार्क कर लेंगे 38 में। और इसको सीधा कर लेंगे, दोस्तों इसका मोहरी बनाना है तो हम इसके लिए 2 इंच नीचे मार्जिन दे रहे हैं, उसका भी मार्क हम लगा ले रहे हैं। इसका मोहरी 17 है तो 17 का आधा होता है 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा मार्जिन हो गया। ये इसे राउंड हो जाएगा शेप में और यहाँ फुल हाई वाली बन रही है, हमको रखना है 16 इंच। यहाँ 16 इंच में हम दाग लगा लेंगे और इसको मिला देंगे। इस तरह से बिल्कुल ये हमारा ग्राफ बन गया। हम इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम ये कपड़ा सीधा के लिए मार्क लगाए थे उसका कट कर रहे हैं। और ये फूल घेरा रहेगा तो हमको इधर कटिंग नहीं करना है, इस तरह से हम कट कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ हम एक खुटका लगा देते हैं और यहाँ भी हम एक खुटका लगाते हैं इस तरह से। अब इसका मियानी का जेंस पैजामा हम चाहिए ही चाहिए, जब भी हम मियानी काटेंगे तो 2 मियानी एक साथ काटेंगे। इस तरह से 7 इंच होना चाहिए, 7 में हमें हम मार्क कर लेंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे। इसको हम अपना हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं साइज, तो फुल साइज हमारी बन रही है सलवार, तो हम इसको फुल में आने देंगे थोड़ा चौड़ा टाइप का। इस तरह से कर लेना है, बिल्कुल हमारा सलवार कट चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से मियानी रहेगा इसका और ये लग जाएगा यहाँ पे। इस तरह से लग जाएगा,
तो दोस्तों ये हमारा नीचे का भाग है, इसमें हम पेस्टिक साट सकते हैं या कपड़ा देके भी बना सकते हैं मोहरी। तो आप देख सकते हैं इस तरह का बिल्कुल ऐसा कटिंग होगा, और यहाँ पर इसलिए ऐसा काटा जाता है कि यहाँ फिर बराबर हो जाए हमारा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।